महिला कांग्रेस इन दिनों जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरती नजर आ रही है। जहां इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कई मुद्दों के साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाली। मैम, क्या एजेंडा है आपका? मतलब महिला कांग्रेस जो है वो अप्रैल महीना हो गए हैं मुझे बनाए हुए, सारी समीक्षा बैठक सारी बैठकें वो जो हमारी खत्म हो चुकी है, पूरा उसका कलेवर बन के आ गया। मतलब प्रदेश महिला कांग्रेस की स्थिति कि कहाँ सत्यता से स्थिति कि कहाँ काम हो रहा है कहाँ काम नहीं हो रहा है। जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ उनको पुनर्गठन की तैयारी करनी है, जहाँ काम हो रहा है उनको शाबाशी भी देनी है। जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, कई महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको यहाँ प्रस्तुत करके उनका सम्मान भी कराना है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस 2023 लक्ष्य हमारा लेके मैदान में उतर रही है। 2023 लक्ष्य हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, तो उस लक्ष्य के तहत काम करना है उनको। उस लक्ष्य के तहत किस तरह वो सड़क पे उतरे, क्या मुद्दों को लेके जाए, किन बातों को लेके भाजपा की पोल खोले, ये सब रणनीति आज तैयार होगी। बहुत सारे सेल भी कटे हुए, जैसे एनजीओ सेल है हमारा और आंगनबाड़ी का भी सेल है, मीडिया का सेल है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम सेल है, बहुत सारे सेल कटे हुए, उनको क्या काम करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सदस्यता में वृद्धि, तो महिला कांग्रेस सदस्यता में वृद्धि का एक बार रिकॉर्ड बनाने वाली है। और अभी हमारी सदस्यता अभियान जो चालू है, आज भी हमारे यहाँ पर काफी सदस्यता डायरियाँ जमा हो रही है, उन महिलाओं का सम्मान किया जाएगा जो सदस्य बनाएंगे। परंतु सख्त हिदायत दी गई है, यदि जो मोबाइल नंबर उसमें लिखा है वो सत्यता की तरह हमें होना चाहिए, हमें क्वालिटी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जो है वो होना चाहिए। यदि आपने कुछ नाम नंबर दिए हैं, यदि वो ब्लॉक अध्यक्ष के हैं, शहर पदाधिकारी के हैं, प्रदेश पदाधिकारी के हों, उनको देखिए पुनर्गठन तो हमेशा होता है, जब भी कोई अध्यक्ष होता है पुनर्गठन होता है। परंतु मैं ऐसी अध्यक्ष थी, मैंने कहा जो लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उन्हें शाबाशी भी दी जाए। ऐसा तो है नहीं कि जो जहाँ पर रिक्त हो गए हैं कोरोना के कारण कई जगह नहीं है, कई जगह 8 साल हो गए, उन्होंने स्वेच्छा से बोला कि हम काम नहीं कर सकते हैं। तो पुनर्गठन तो हर जगह होता है, क्योंकि रुका तालाब जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, बहता हुआ पानी होना चाहिए। बहता हुआ पानी अच्छा भी होता है और उससे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जो महिलाओं की देखिए 50% आरक्षण है पंचायत में भी। यदि राजीव गांधी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और कांग्रेस को, तो यदि कोई महिला चुनाव लड़ना चाहती है तो तैयारी का समय आ गया है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। हम तो 2023 की भी उल्टी गिनती मान रहे हैं, 1 साल बचा है हमारे पास और हमको काम करना है, और काम करके टिकट किसी को भी मिले उसे जीतना है। और यदि कोई टिकट की आकांक्षी है तो वो अपने अपने क्षेत्र में काम करे और उसको इधर उधर काम नहीं करना है, आप काम करें और भाजपा की पोल खोले और कांग्रेस की अच्छाइयां बताएं, कांग्रेस की नीति नीति बताएं, और जिस तरह से भाजपा ढोंग ढकोसला करती है उसकी पोल खोले। इसलिए आज जो जन जागरण यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, ये मैं समझती हूँ ये सबसे अच्छा स्वरूप है सड़कों पर जाने का, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक मैं काफी यात्रा में जा चुकी, ये यात्राएं क्योंकि कमरे में तो निकलती नहीं, ये सड़कों पे निकलती हैं। तो हम इसमें महंगाई की पोल खोल सकते हैं भाजपा की, उसके महिला उत्पीड़न की पोल खोल सकते हैं, तेल महंगाई खोल सकते हैं। जहां जहां हमने जन जागरण निकाला लोग बड़े खुश हुए कि हमने कहा देखो अभी चुनाव तो आने वाला है, पर तो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। तो जन जागरण यात्रा की जो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, ये बोर्ड ऑफिस तक जाएगी, ये प्रतीकात्मक यात्रा है महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए कि इस तरह की यात्रा आपको अपने अपने गाँव में, कस्बे में, ब्लॉक में, मंडल में, सेक्टर तक निकालनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल जी का साफ तौर पर मानना है कि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य सरकार को घेरने के लिए वो जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं और रैली निकाली जा रही है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।